again and again. मान्यवर संबंधित मंत्री ने. Some question me also. संबंधित मंत्री ने एक मिनट मैं मंत्री जी के बारे में कहना चाहती हूँ. बहुत अच्छी बात कहना चाहती हूँ. इसके साथ ही मान्यवर संबंधित मंत्री ने रोहित की आत्महत्या पर जो अपने भाषण में कई बार अपनी भावुकता दिखाई है तो इसका नाटक करने की बजाय इनको अपने मंत्रालय में इनके रोहित के छोटे भाई को कोई सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए थी तो ये ज़्यादा अच्छा होता है. जिसके लिए उसकी माँ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से फरियाद कर रही है. और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ यदि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार होती तो फिर हमारी सरकार रोहित की माँ के फरियाद के रोहित की माँ की बिना फरियाद के ही उनके छोटे बेटे को अब तक सरकारी नौकरी भी जरूर दे देती. इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है. बस एक मिनट. इस मामले में सीएमओ और वहां के पुलिस प्रशासन के बारे में भी सदन में गलत बयानबाजी की गई है. बस एंड कर रही हूँ. इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी श्री रोहित प्रकरण मामले में संबंधित मंत्री के जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं है. जबकि इस संबंध में इन्होंने 24 फरवरी को यह भी कहा था यदि बसपा मुखिया उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो फिर वे अपना सर काट कर उनके चरणों में रख देगी. जिसे याद दिलाते हुए अब मेरा मंत्री से ये कहना है क्या अब वह अपने इस वायदे को पूरा करेंगी. ओके ब्लस दैट्स ऑल दैट्स रीजन आई एम चूजिंग. इसलिए मेरा ओके बस बैठिए प्लीज. कुमारी जी बैठिए. कुमारी जी बैठिए. कुमारी जी बैठिए. हो गया. मैंने चुनौती बसपा के कार्यकर्ताओं को दी थी अगर चाहे तो बसपा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करती हूँ कि आए काट कर ले जाए अपनी सरकार को बदनामी से बचाने के लिए. फिर आपको नीचे जमीन पर लाना होगा. इनकी इच्छा न्याय में नहीं राजनीति में. 24 फरवरी को मेरे विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास सच्चा नहीं रहा है. जिसके लिए आपने मुझसे खुद बहुत इम्पोर्टेंट बात है आप सुनो रिकॉर्ड में आने की जरूरत है. अब मैं बताना चाहती हूँ. और इतना ही नहीं बल्कि आपका माननीय मंत्री जी का 24 फरवरी को मेरे वे विपक्ष के अन्य सदस्यों के प्रति भी व्यवहार कोई खास अच्छा नहीं रहा है. जिसके लिए आपने यानी कि मंत्री जी ने मुझसे कल लॉबी में आकर माफ़ी भी मांगी थी. और फिर मैंने एक महिला और आपसे बड़ा होने के नाते कल तो आपको माफ़ी कर दिया है. कल तो आपको okay, मैंने माफ़ी कर दिया है. लेकिन ऐसी गलती से दोहराने का भविष्य में मेरा समाज वे मेरी पार्टी तथा अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग इसकी आज मैं आपको सलाह के तौर पर चेतावनी भी दे रहा हूँ. That's enough. How can you do like this? This is too much. Kumari ji, please, that is enough. Please. Kumari ji, please, please. No. That is enough now. Kumari ji, please. This cannot be allowed. This cannot be allowed. सही जांच पड़ताल कराने के बाद ही फिर कोई कार्रवाई करनी चाहिए और करनी चाहिए. और इतना ही नहीं और ओवर दैट्स इनफ. नो दैट्स ऑल दैट्स ऑल. मामले में हमारी दैट्स इनफ दैट्स इनफ. इस मामले की अलग से चर्चा कराने की बजाय जो नो प्लीज नो के साथ चर्चा नो मोर लिया गया है बीजेपी. कुमारी मायावती प्लीज स्टॉप. दलित विरोधी दो मिनट दलित विरोधी मानसिकता हमें दो मिनट साफ नजर आती है. दो मिनट बस. और इतना ही नहीं बल्कि कल जो मंत्री जी ने दुर्गा व महिषासुर के तोड़ मरोड़ के हिंदू पौराणिक दिए गए इतिहास का What do I do? देकर खासकर दलितों व आदिवासियों का 13 minutes से अपमान किया गया है. ये बहुत ही शर्मनाक है निंदाजनक भी है. अर्थात तोड़ मरोड़ के दर्शाए गए
इतिहास के मुताबिक, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुर्गा माँ This is taking the house to your ransom. कल देश के दलितों पे This is taking the house to your ransom. अपमान किया गया है, उसे हमारी पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, हिंदू संस्कृति के Okay, please. That's all. जान पूछकर Okay, nothing more will go on record. या, record में नहीं आते, बस, record में नहीं आते, बस बस. कुमारी जी बैठिए, अभी रैकेट में नहीं, रैकेट नहीं करते हैं, आप बैठिए, वी नॉट गोइंग ऑन रैकेट, आप बैठिए, कुमारी जी बैठिए, या हो गया, इट इज नॉट गोइंग ऑन रैकेट, श्री अचूरी प्लीज, आई कॉल्ड अचूरी, ना श्री अचूरी मैंने अचूरी, आप बैठिए, आपको ही सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, अब आइए जवाब दिया है नो प्लीज हाउस को गुमराह किया है इसके हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और पूरे देश नो प्लीज जो दलित समाज है भारतीय जनता कुमारी जी बैठिए देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए